वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम आ गए हैं आपके साथ और हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ हो रही हैं कुछ बातें और डॉक्टर साहब से आज जो है वो हम कुछ हील साइंसेज और समदा हीलिंग के बारे में दोबारा से बात करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग हमने पिछले दो दिनों में तीन दिनों में बातें की हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके डॉक्टर साहब, पहली बात तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम समदा हीलिंग से किस किस चीज का इलाज कर सकते हैं? जी, कौन कौन सी मतलब ऐसी चीजें हैं? समदा के काफी बेनिफिट्स है। साइकोलॉजिकल डिजीज में हम टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ, इस तरह की चीज़ों को, फोबियाज में जितने हैं, हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और इसमें बिहेवियर में सेंसिटिविटी, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन और इस चीज़ों में हम, यानी हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। सुकून की कैफियत में जब इंसान जाता है तो ये चीज़ें फील नहीं होती है। और इसमें नफसियाती बीमारियों में जो क्रोनिक डिप्रेशन है, टेंशन है, ये लोगों को ज़्यादातर जो है टेंशन लोगों को लाहक होती है कि वो छोटी छोटी मसाइल, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा होना, परेशान बहुत ज़्यादा होना, बहुत डीपली टेंशन में जाना, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होती है, अनजाना के पेशेंट बनते हैं और मैदे पे असर होते हैं, उनके थायराइड ग्लैंड पे असर होते हैं, और या कुछ लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग उनके खाने कम हो जाते हैं, कुछ की नींद उड़ जाते हैं, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो कि हम मकसद ने उनको हल करने के लिए हमें कुछ ज़राए चाहिए, कुछ ऐसा चीज़ें चाहिए कि हम उसको हल कर, लेकिन होता नहीं है। तो उस हालत में जब कोई चीज़ नहीं होती है, कोई काम, कोई मसला हल नहीं होते, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और उस सूरत में हमें समदा की ज़रूरत होती है। जब हम एक बार एनर्जी को ऑन करते हैं और हम एनर्जी को लेते हैं, उसके बाद हमें फीलिंग इस तरह की नहीं होती है, हम रिलैक्स हो जाते हैं और भरोसा होता है कि काम हो जाएगा, इरादा को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, कुवत मुदाफ़त इंसान के, कुवत इरादे को, खुद इतमादी को बहुत बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये होते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। मकसद अगर ये मसला हल नहीं होते तो कोई और रास्ते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रिलैक्सेशन में माइंड आपको दिखाता है बहुत से रास्ते। जब इंसान रिलैक्स नहीं होती है और वो टेंशन में मुबतला होती हैं, उस सूरत में माइंड सही काम नहीं कर रहे होते हैं। आपको पता है, जब हम कहते हैं कि आप, जब इंसान खौफ में मुबतला होते हैं, खौफ के कैफियत में इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ भूल जाते हैं और माइंड सही काम नहीं कर रहे होते हैं, या गुस्से की कैफियत में जो एक इंसान होते हैं, तो एक गुस्से की कैफियत में हो सकता है कि ऐसा बुरा काम इंसान से हो जाए जो बाद में वो पछताता है कि ये मैंने क्या किया। लेकिन उस सूरत में वो ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि उन्हें पता ही नहीं होते हैं। इस तरह के बीमारी की हालत या परेशानी की हालत भी है कि उस हालत में आपके ज़िंदगी का रुख नेगेटिव साइड पे जा सकते हैं। इस बहुत सारे हालात में कोई भी सोच आपके जहन में पॉजिटिव आती ही नहीं, आप जो भी काम करने जाते हैं उसका आपको हर वक्त नेगेटिव पहलू ही नज़र आ रहा होता है, आ रहे होते हैं। तो इसलिए उस सूरत में हमें ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत हो जो हमें रिलैक्स करें, हमें उम्मीद दिलाए, हमें कल्बी सुकून दे, ऐसी कैफियत हमें ज़रूरत है। क्योंकि वो ऐसा नहीं होता है कि अगर हम मराकबे में बैठते हैं तो वो काफ़ी टाइम लगता है उस पर, हम कुछ और करता है तो काफ़ी टाइम लगता है उस पर, लेकिन जब आप समदा हीलिंग एनर्जी को ऑन करते हैं उसी वक्त आपको रिलैक्सेशन मिलता है और इंसान क्रोनिक डिजीज़ का शिकार नहीं होते हैं, हमेशा तरोताज़ा रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। तो ये नफसियाती फैलों में और भी चीज़ें हैं जो कि इस दिवाजी मसाइल में बड़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बिजनेस के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, और बहुत सारे लोग जो बिल्कुल मतलब ज़िंदगी से बिल्कुल नाउमीद हो जाते हैं और फिर उनके जहन में जो है वो कुछ
मतलब उनको कहीं से भी कोई होप नजर नहीं आ रही होती है और कुछ इतनी नेगेटिव चीजें आ जाती हैं उनके दिमाग में कि अपने आप को मारने के लिए वो तैयार हो जाते हैं या सुसाइड करने के लिए की कोशिशें करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें भी ये कुछ हेल्प आउट जी बिल्कुल कर सकते हैं। जो सुसाइड करते हैं या कोई ऐसा चीज जो नाउमीदी होते हैं इंसान को कि इस काम को मैं नहीं कर सकता, उस सूरत में इंसान को 100% अपने खुद इतमादी को खो बैठते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस में उसके तकरीबन 80% कमी आ जाता है, 90% कमी आते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह के सोचे उनमें आ जाते हैं। अब मसलन इस दिवाजी ज़िंदगी में है, अगर कोई शख्स एक बार इन्होंने शादी कर ली है और पहले से उन्होंने ये तय नहीं किया था कि आगे ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ मुझे किस तरह बिहेव करनी है किस तरह, अब ये होता ये है कि जब घर में दोनों पार्टनर रहते हैं छोटी छोटी बातों पे उनको बहुत ज़्यादा होते हैं, दरहाल के बहन भाई के साथ शायद इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन अब जो है ना एक छोटे से बात बुरा लगते हैं उसके वजह से, यानी उनके जहन में ये होते हैं कि ये तो शायद मुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं या मुझे अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं या इस तरह की कुछ बातें, तो उस सूरत में हमें ऐसा बिहेव करने है कि हम रिलैक्स रहें और समुदाय हीलिंग एनर्जी उस हालत में हम हमारे जो बर्दाश्त हुआ हमें और इस दिवाजी ज़िंदगी में हमें बर्दाश्त सारा कुछ बर्दाश्त है, क्योंकि जो भी आप दोनों दो बर्तन भी साथ रखें तो उसकी आवाज़ ज़रूर आएंगे, जारी सी बात। तो बात यह है कि एक हाथ से कोई आवाज़ नहीं आता है, दोनों हाथ मिलाए तो आवाज़ आती है, तो कुछ ना कुछ आती है कुछ ना कुछ नहीं आते देखा लेकिन इससे ज़्यादा आते देख। तो बात यह है जब भी दो पार्टनर मिलते हैं आपस में तो बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, गुस्सा आ सकते हैं, बहुत से ऐसे ऐसे कैफियत आ सकते हैं जो कि वो फिर काबू नहीं पाता है अपने आप पे, कुछ भी हो सकता है। तो उस सूरत में सिर्फ लाइफ में ऐसे दिवाली ज़िंदगी में है सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त, हाँ कंप्रोमाइज करना है आपने, इतना हौसला हो आप में, इस्तकामत हो, तहमुल हो आप में कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, और वही असरात फिर जब आप जब लाइफ पार्टनर्स के दरमियान होते हैं वो फिर बच्चों में चले जाते हैं और बच्चे फिर उससे बदतर बन जाते हैं, वो और सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि बच्चा अगर यानी हम जो स्टडी करते हैं बच्चों के लाइफ पे, बच्चों के ज़िंदगी और उसके नशोनमा पे, तो वो शुरू होते हैं माँ से और वालिद से दोनों से शुरू होते हैं, यानी अभी वो दुनिया में नहीं है, वजूद में नहीं आए हैं, वो पहले से जब जब से उन्होंने शादी के उसी दिन से औलाद की तरबियत का आगाज़ होते हैं। सही बात है, बल्कि शादी से पहले एक इंसान को बचपन से ही उन्हें ऐसी तरबियत ऐसी कुछ लेना है कि उनके आइंदा नस्ल में भी वही चीज़ हो, उनसे नेगेटिव बिहेवियर है तो आपके औलाद में ज़रूर जाएंगे नेगेटिव बिहेवियर, ये यानी रिसर्च के मुताबिक मैं बात करूँ, नॉलेज की बात करूँ, साइकोलॉजी के लिहाज से। अच्छा डॉक्टर साहब एक कॉलर भी साथ हैं, बात कर लेते हैं पहले उनसे, काफी देर से मजे की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उनकी बात भी सुनना जरूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? मैं चकवाल से बात कर रही हूँ, रिजवाना। जी रिजवाना कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, सब आप कैसी हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका माशाल्लाह, थैंक यू। और रेगुलरली मैं देख रही हूँ इसको, बहुत ही इंफॉर्मेशन मिल रही है डॉक्टर साहब के दुकान में, तो अभी जो है वो डॉक्टर सदर साहब से मुझे एक दो क्वेश्चन करने हैं, कुछ मसला चल रहा था मेरे साथ। जी जी, तो जी तो डॉक्टर साहब मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि थोड़ा मेरा जो है मेमोरी का प्रॉब्लम है कि मुझे चीजें भूल बहुत जल्दी जाती है, भूल जाती है, याददाश्त कमजोर है, ये प्रॉब्लम है काफी ज्यादा मेरे साथ।
जी। और दूसरी बात ये कि गुस्सा भी बहुत ज्यादा जो है ना, वो थोड़ी थोड़ी बात पे अचानक से जो है वो गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं हो सकता उसको। इतनी प्रॉब्लम है। और साथ में जो है वो यही है कि अचानक से जो है ना एक वहम का जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है कि कोई काम कर लिया मसलन फौरी तौर पर अगर हाथ धोए, खाना खाने लगे, फिर थोड़ी देर बाद मुझे वो वहम होने लग गया कि नहीं मैंने दोबारा से हाथ धोने हैं, अभी ये करना है। अच्छा, अच्छा। इस तरह से और बहुत से इस तरह के जो काम होते हैं जो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ये रहता है कि नहीं अभी ये काम नहीं किया। एक तरह का जो है ना हर काम में एक वहम और इस तरह का जो है ना एक कंडीशन जो है वो मेरे साथ रहती है। सही। तो ये इसको अगर आप कुछ ख्याल कर रहे तो ये मसला किस तरह किया जा सकता है? ठीक है, बिल्कुल। आप ऑन एयर सुन सकती हैं, आपको ऑन एयर आपका जवाब देते हैं। आप टीवी ऑन करके आप आराम से सुनिए, ठीक है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ओके, अल्लाह हाफिज। तीन चीजें जी, जी वहम, वहम और वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। चलो अच्छा, कॉल भी ऐसे आई जो कि हम जिस पे बात कर रहे थे वो इस तरह के जी भूल जाती है, गुस्सा और वहम। नहीं, वहम का पीछे भी कोई आजकल जो है ना ऐसा नहीं है, वहम का भी इलाज है। तो वहम जो है ना उसका इलाज है। अच्छा। क्योंकि साइकोलॉजी ने इतने तरक्की की है, पैरासाइकोलॉजी इसने इतनी तरक्की की है कि वहम का इलाज, जो इन्होंने बताया ना जो इनके साथ प्रॉब्लम है हाथ धोने वाला, वहम एक ऐसी चीज होते है, वहम जिस तरह के मसलन हम यहाँ पर बैठे हुए कि ओहो कोई ऐसा कुछ लाइट ना जाए, अब बेजा खौफ है, लाइट अगर जाना है तो जाएगी, तो फिर जरूरत ही नहीं। या ऐसे है कि मसलन बच्चा, अभी हम इधर हैं, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकले होंगे, कोई वो खुदा ना करता वो नहीं हुआ होगा, हम कोई काम सही तरीके से नहीं करते। और या फिर हम बच्चों को भी इस तरह डराते हैं, बच्चों को कहते हैं आपने सड़क को पार नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, खौफ में मुबतला करके वो उनकी खुद इतमादी और कम हो जाती है। वहम जो है ऐसा चीज़ें हैं जो कि वहम यानी जिसकी हकीकत नहीं है, जिस चीज़ की हकीकत या है या नहीं, लेकिन आपको ऐसा अनजाने में खौफ, खौफ जिसे कह सकते हैं, वहम कह सकते हैं, मेरे ख्याल दोनों की मीनिंग एक ही है, खौफ और वहम के। हाँ, मेरे ख्याल में मतलब अगर आप देखें तो वो वहम जो होता है वो आपके लाशऊर में से कहीं से कुछ एक चीज जो है वो खड़ी हो जाती है, सींग निकाल के खड़ी हो जाती है, ऐसे मकसद बेजा, जैसे बेजा खौफ कह सकते हैं आपको। तो इस तरह के इंसान को कभी कभी ये रहते हैं कि ओहो ये ना हो जाए मेरे साथ, मेरे चोर ना आए, घर तबाह ना हो जाए, या कोई मकसद बिजनेस तबाह ना हो जाए, या कुछ ऐसे हालात खराब ना हो जाए, या किसी से अगर मैं मिलूं तो ये ना हो जाए, या किससे अगर बात करूं तो फिर ये ना हो जाए, गाड़ी चलाऊं तो एक्सीडेंट ना हो जाए, मोटरसाइकिल पे जाऊं तो गिर ना जाए, ये इस तरह के। अच्छा, ये जो एक डॉक्टर साहब एक वहम होते हैं और एक जो होती हैं ये सुपरस्टिशियस चीजें, जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई तो कहीं ये हो जाएगा, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, या कुछ इस तरह की चीज, सब इसी में आ जाता है, बेजा खौफ में आते हैं वहम। तो वहम का इलाज ये है कि आप क्लियर करें उस चीज को कि देखें कुछ तो ऐसा होता है, लाइफ है, जाहिर है कुछ ना कुछ उसमें नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन आपका फोकस हो ज़्यादातर खूबियों पे, अच्छाइयों पे, जब आपके फोकस होते हैं तो आप राइट साइड पे जाते हैं। जब आपके इस तरह के वहम, खौफ, डर और बुराइयों पे आपका फोकस है तो आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ज़रूर आप उसमें जाएंगे, जो डर गए वो मर गए, बिल्कुल सही काम। तो इसलिए ऐसा है जो कि साइकोलॉजी, ये बहुत पुराना जो एक मिसाल है कि जो डर गए मर गए, हम ऐसे ही कहते हैं मजाक में कभी, लेकिन इसकी पीछे एक पूरा फलसफा है और ये पूरा नॉलेज है, दुनिया है इसके पीछे। तो बात यह है कि हकीकत में हमने खुद आजमाया, मैंने अपने स्टूडेंट को मैंने आजमा के दिए कि हम अगर एक तख्ती ज़मीन पे रखें, उस पर आप सब चलें, और अगर एक तख्ती ऊपर रखें हम छत के ऊपर, कोई ऐसा दो रास्ते बना के यहाँ से और यहाँ से तख्ती रख के उसके जो नीचे बहुत जो है ना एक चकोर हो, या कोई बड़ा सा जगह से आप बिल्डिंग से गुजरते हैं या कैसे, तो आपको मुमकिन नहीं होगा क्योंकि गिर जाएंगे आप, क्योंकि वहम की वह खौफ की वजह से गिर जाएंगे।
लेकिन अगर ज़मीन पे उस को तख्ती को रखा जाए तो आप उस पर चलेंगे और आप बग़ैर खौफ के आप बड़े ज़बरदस्त और आप बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। तो बात यह है कि गिरना जो है या लाइफ का ख़राब होना डर की वजह से, खुद इतमादी कम होने की वजह से, बेजा खौफ और ये अनजाना खौफ वहम, इसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इसलिए तरक्की नहीं करता इंसान, जितना बुराई पे फोकस उतना ही बुराइयों की तरफ आप जाएंगे, कामयाब नहीं होंगे। मतलब इसका ये है कि आपका कहना ये है कि जो ये एक मुहावरा था कि वहम का इलाज जो है वो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो आप जो है वो कह रहे हैं कि वहम का इलाज हो सकता है अगर इंसान खुद अपना अपने बारे में कौन कहता है कि लुकमान हकीम के पास नहीं था, ये तो ऐसा एक मुहावरा है, एक ऐसी बात। देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर बीमारी का इलाज है और हर बीमारी का इलाज है, लेकिन हमें वहम जो है वो तो एक खौफ है ना, हमें ढूंढना है। हाँ, खौफ का जो है वो तो कोई इलाज तो है ही नहीं ना। और देखिए आप किसी को बता दें तो लुकमान हकीम की बात करें, मेडिसिन तो खौफ दूर नहीं होते ना। नहीं, आप लुकमान हकीम की बात करें तो मेडिसिन से तो खौफ दूर नहीं होते, लेकिन लुकमान हकीम जो था उन्होंने कुछ ऐसी तरीके बगैर मेडिसिन के भी इस्तेमाल करते थे, बगैर मेडिसिन। तो मेडिसिन से तो खौफ का इलाज नहीं है, वो तो आपको ट्रैंक्विलाइजर देंगे और आपको और दे आप गनुदगी में जाएंगे, उसके आदि बन जाएंगे। खौफ जो है हमारे अंदर, हमारे अनकॉन्शियस में कुछ ऐसे जो है ना एनर्जी है, ऐसे अनवांटेड एनर्जी है, नाकस एनर्जी है, जो कि हम उसको रिमूव करके हम खौफ को, वहम को, सब कुछ को रिमूव कर सकते हैं, अपने जहन से दूर कर सकते हैं, हम बहुत बड़ी पावरफुल इंसान बन सकते हैं। तो समुदाय हीलिंग एनर्जी उस वक्त काम आते हैं जब इस तरह के हालात हो और इस तरह की वहम खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ और चड़चड़ापन, ये चीजें तमाम के तमाम समुदाय हीलिंग इसका इलाज है। टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का, और बड़ी अच्छी और यूजफुल इंफॉर्मेशन आज भी हमें मिली है। होपफुली आप लोगों के भी काम आएगी, और आप लोग जो है वो डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कीजिए अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है या आपको कोर्सेज करना चाहते हैं समदा के, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। हम इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे कल फिर मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। कल भी अपने कुछ नए सेगमेंट्स के साथ हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ और अब्दाका।